सप्प की कुंज लैंदी उहदे ते निशान हुंदे उहो जे निशान इहदी पूरी ये हाथ में है ये पेट में दोनों तरफ है और ये सीने में क्या है क्या है? बॉडी दे ऊपर आप पूरे शरीर दे ऊपर होते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। मैं हूं बापी द स्नेक एक्सपर्ट। हमारा चैनल से आपको सांपों से जुड़ी गंभीर से गंभीर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और सबसे बड़ी बात है पूरे भारत में सर्दम से जुड़ी बहुत सारा अंधविश्वास होता है जिसके कारण जो है लोग परेशान रहते हैं कि रियल में स्नेक बाइट के बाद कभी झाड़फूंक हो जाए इलाज होता है, कभी सांप काटने के बाद उसी सांप को शख्स ने काट लेता है और सांप मर जाता है, शख्स बच जाता है और ये अंधविश्वास पूरे समाज में फैल जाता है कि उस शख्स में जरूर कुछ अनोखा कर सकती है, उसमें जहर है जो कि सांप मर गया तो इंसान बच गया। ऐसे अक्सर बहुत सारा तरह तरह का घटना सुनने को आता है। आज एक पंजाब जहाँ पर एक युवक है जिस युवक को सर्पदंश हुआ था सालों पहले, उसके बाद पैर में बाइट किया था, उसके बाद जो है झाड़फूंक या जो भी हुआ इलाज हुआ उसके बाद स्वस्थ हो गए, लेकिन उसके बाद उनके शरीर में दोनों हाथ दोनों पेट में और सीने में दोनों तरफ अक्सर सांप के निशान की जैसा लग रहा है। घर वालों को कहना है कि अक्सर उनको पूरे शरीर में इस तरह दाग अक्सर हर दिन होते रहते हैं, जैसे कि आप देख के लगे चौंक जाएंगे कि ऐसा भी क्या कभी स्नेक बाइट का मार्क होता है या सांप किसी को काटता है तो एक बार दो बार तीन बार, लेकिन लगातार हजार बार किसको कैसे काटता है? इस शख्स का शरीर देख के आप चौंक जाएंगे। दोस्तों देखिए, इस मुंडे दे सप लड़िया सी फ्लड दे टाइम और सप वर्ग गई इहदी बॉडी हुंदी जा रही है, जिवें सप दी कुंज लैंदी उहदे ते निशान हुंदे उहो जे निशान इहदी पूरी बॉडी दे उपर आ पूरे शरीर दे उपर हुंदे जा रहे है। डंग मारिया सी जिहड़ी थां इहदे लत दे उपर देख लिया जी भी सप ने डंग मारे? हांजी हांजी, सप सप काला ते बिलकुल ऐसी तरह दे जैसे साडे उत्ते। हरेक देख के अखां कट जांदे भी किसी दे नहीं देखे अज तक जी। बाबे बहुत कहदा ने जेडे वड्डे बाबे ने भी इहो जिहा देखिया नहीं सी कदे जी। डॉक्टर दवाई दे, खाली दवाई वादू जी हूं जवाब देने लग गए जमी भी कि तगड़े अस्पताल च दिखाओ जी, इन पहुंचने की हूं गरीब बंद जी काम करते थे मतलब उत्थे कि पानी च सप्प सुप आ गए होने जी, मतलब जो सप्प ने डंगया मेनू पता लग गया जी। एदू बाद 15 मिनट बाद जमी उठ गई थी, कोई सुरत नहीं थी। एदू बाद जो ऑक्सीजन भी खत्म हो गए थे, ऑक्सीजन लाई रखा 4-5 घंटे जी, उदो एदू बाद डॉक्टर ने उस बाद मतलब आ डंड नहीं कटे जी। इलाज हो जाए दोस्तों। आप देख रहे थे जो शख्स को जो युवक को देख रहे हैं उनके देखिए गौर से, हम डिस्प्ले में देखा रहे ये हाथ में है ये पेट में दोनों तरफ है और ये सीने में क्या है क्या ये सर्पदंश होता है, मकसद जानते हैं दोनों दांत बाइट मार्क होता है, बाइट मार्क के बाद जो है उसके बाद वहाँ पर स्वेलिंग आता है, सूजन आता है, पेट में दर्द पेन होगा, वोमिटिंग आएगा, सीने में जलन होगा, बहुत सारा सिम्टम आता है स्नेक बाइट में। लेकिन इनको स्नेक बाइट के बाद दोबारा जो ये हो रहा इनको ऐसा कुछ नहीं होता, बाइट होता है उसके बाद इनको सिर्फ जख्म हो जाता है कुछ दिन के बाद, पहले काला फिर धीरे धीरे वहाँ स्किन जब
उचड़ जाता है, उड़ जाता है, फिर वहाँ व्हाइटनेस होने लगता है। ये देख के आपको अद्भुत लगेगा कि सब बाई लाइन लग रहा है कि पूरे पूरे एकदम नाप के ये बनाया गया है। तो ये है क्या, सच्चाई क्या? वहाँ से जो पेशेंट है उसके घर वाले कॉल किए थे और मुझे इस पेशेंट को फोटो भेजे, वीडियो भेजे, मैंने बोला आप ले आओ, मैं गारंटी लेता हूँ इस बच्चे को पूरी तरह ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरह ठीक करूँगा गारंटी के साथ। और इसका सच्चाई क्या, ये पूरे पब्लिक के बीच में लाऊंगा, एक्चुअली है क्या ये? तो दोस्तों जान लीजिए, सबसे पहले स्नेक बाइट का मार दो फ्लैंक्स होगा पहला, और ये शख्स को देख लीजिए मार कहाँ है, जहाँ पर इनके हाथ पहुँच सकता है। ये हाथ मेरा यहाँ आ सकता है, यहाँ दाग है, ये हाथ यहाँ आ सकता है, यहाँ है, यह मेरा सीना यहाँ आ सकता है, यहाँ भी दाग है, और ये हाथ यहाँ आ सकता है, यहाँ दाग है। दूसरी बात, यहाँ आ सकता है पेट में, यहाँ और यहाँ, मतलब मेरे ये दोनों हाथ जहाँ जहाँ जा रहा वहीं है, लेकिन वही बाइट मार या जो भी जख्म है दोनों पैर में नहीं है, घुटने में नहीं है, पीठ में नहीं है, कंधा में नहीं है, गले में नहीं है, गाल में नहीं, कहीं पर नहीं है, सिर्फ ये सीना और ये और दोनों ये तरफ, मतलब ये जो है ये बंदा, ये शख्स जो है सिर्फ मानसिक बीमारी से जूझ रहे। मानसिक बीमारी से जूझ रहे, इनको डॉक्टर दिखाना जरूरी है। एक ये, दूसरी बात है ये जो देख रहे हैं मार, ये खुद ये बनाते हैं, ये खुद जो है चाहे कोई लोहा का छड़ होगा, सरिया होगा, या किसी चीज है, चाहे वो जला के वहाँ लगाते होंगे, या उसको जो है इससे पहले भी ऐसा बहुत सारा देखा गया। एक लड़की अपने शरीर में अक्सर सुई निकलता था, अक्सर अचानक वो लड़की रोती थी, उसका बाद जब वहाँ दर्द होता था तो दबने के बाद वहाँ सुई निकलता था। बाद में डॉक्टर भी बोला उसका शरीर में एक दिन में 10-12 सुई निकलता, सुई जो कपड़ा सिलाई करता है। तो डॉक्टर भी साइंस में अद्भुत विश्वास नहीं करने लगा कि भाई ऐसा कभी होता नहीं, किसी का बदन में बॉडी में कैसे ये सुई निकाल सकता है। उस लड़की को जब रखा गया किसी रूम में, चुपके से कैमरा लगाया गया, तो देखा गया वो लड़की खुद अपने जो है सुई को अपने ब्लड डालता था स्किन में, फिर अपने उसको निकालता था। तो सोच लीजिए ये जो लड़का है सकदर, ये मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, ये अपने शरीर में खुद लोहा का छड़ से या किसी भी चीज़ से, चाहे चिस्ता होगा, स्क्रैच करता होगा, या उस चीज़ से जला के देता है। और गौर से देखिए, ये जलाने के बाद जो ब्लैक हो गया वो उसी समय का है, और जो वाइट हो गया उसको स्किन उठने के बाद वाइट नीचे वाला जो नया स्किन आ रहा वो है। दोनों हाथ में देखिए, डिस्प्ले में दोनों सीने में है, दोनों पेट में, और बॉडी में कहीं नहीं। मतलब सांप अगर काटे या सांप का अगर इन्फेक्शन हो या कोई भी बीमारी हो, पूरे बॉडी में होना चाहिए, गाल में होना चाहिए, हर जगह में। ये कोई ये नहीं कि मेरे यहीं पर होगा सीने में या हाथ में ही सिर्फ होगा। तो ये देख रहे, जहाँ तक उनका दोनों हाथ जा सकता है सिर्फ वहाँ पर ही उनका मार्क है। तो ये जो है लड़के को, इस शख्स को डॉक्टर के पास जाइए, साइकेस्ट्री का डॉक्टर है वो, ताकि मानसिक बीमारी से जूझ रहे, और इनको कुछ नहीं, इसको किसी रूम में रखा जाए। देखिए आज सब मार देख लीजिए, कल एक बीमार नजर रहा है, कैमरा का बीच में छुपा इसको रखिए, आपको पूरी तरह पकड़ा जाएगा ये बच्चा खुद कर रहा, चाहे मानसिक बीमारी हो, चाहे पब्लिसिटी के लिए कुछ भी हो, लेकिन ये खुद कर रहा है, मेरे 100% गारंटी देख के कर रहा है। और इस शख्स को मैं कहा हूँ, घर वालों को कहा हूँ कि भैया आप आ जाओ झारखंड, मैं आपको पूर्ण रूप से मुफ्त इलाज करूँगा, और जिस दिन आप मेरे घर में आओगे उस दिन से आपके शरीर में एक भी आकर जख्म दिखा दोगे, अब जो बोलोगे मैं मान लूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ऐसे ही अंधविश्वास के लिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ, वीडियो लाता रहूँगा, ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।